कान, बीएल का सुल्तान, ध्यान से सुनो लगा कर कान, बीएल का सुल्तान। अरे ये किस्मत किस्मत क्या लगा रखा है तुमने? किसी किस्मत को नहीं बल्कि अपनी मुट्ठी में कीटाणु को बंद किया है। कीटाणु, गंदगी के कीटाणु, बीमारी फैलाने वाले कीटाणु। मैं हूँ कीटाणु, मैं ही तुम सबको बीमार करता हूँ। अगर तुम शौच के बाद और खाना खाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से साफ नहीं करोगे तो मैं तुम सबको बीमार कर दूंगा। अगर तुम बीमार अरे भोला, ये सुबह सुबह खाली बोतल लेकर कहाँ से आ रहे हो भाई? तो भाई क्या बताऊँ, सुबह से बड़ी जोड़ों का प्रेशर बना, खेतों में हल्का होगा। यार कितनी बार समझाया है, घर में शौचालय बना ले, घर में शौचालय बनाएगा तो तेरे जो ना ये भागा थोड़ी जो रोज की खत्म हो जाएगी। अरे मिर्चू भाई क्या बात करते हो, यहाँ खाना खाते ना बाबा ना आंसर होगा भाई। अपनी सोच बना, सोच नए जमाने की सोच के हिसाब से चल। घर में शौचालय होगा तो ना तो बीमारी आएंगी और गांव में तेरी इज्जत भी होगी। अच्छा भाई, अच्छा बिरजू भैया आप एक बात बताओ, अगर मैंने शौचालय बनवा भी लिया तो मेरा इतना बड़ा परिवार है जैसे कि आप जानते हो, क्या काम चल जाएगा? अरे क्यों नहीं चलेगा, तू घर में शौचालय बनवाठे वाला बहुत अच्छी होती है। अरे भोला ये सुबह सुबह क्या गुप्त चल रहा है? आओ सरपंच जी, मैं भोला को सुबह से ये समझा रहा हूँ कि घर में शौचालय कितने फायदे हैं, पर ये गधा मेरी सुनता कहाँ है? अरे भोला तुम खुले में सोच जाते हो, सोच पे मक्खी बैठती है, वो मक्खी आगे तुम्हारे खाने पे बैठती है, तुम्हें बीमार करती है, तुम्हारे परिवार वालों को बीमार करती है। मैं हूँ मक्खी, अरे गंदी मक्खी, खाने में बैठ के तुम तो सब लोग बीमार हो जाओगी और सब जगह बीमारी ही बीमारी फैलेगी। देखा भोला, मक्खी क्या कह रही है, ये तुम्हें बीमार करेगी, तुम्हारे परिवार वालों को बीमार करेगी। अरे भोला इस उम्र में भी तुम्हारे माता पिता को घर से बाहर जाना पड़ता है शौच के लिए, तुम्हें ये सब अच्छा लगता है? तुम्हारे परिवार तुम्हारे बहनों को घर से बाहर जाना पड़ता है। मैंने तो सुना है तुम्हारा रिश्ता घर में शौचालय ना होने की वजह से टूट गया। अरे भोला अब तो बनवा ले यार, अब तो बनवा ले, अब तो गवर्नमेंट भी सहायता कर रही है, आर्थिक सहायता दे रही है, घर घर में शौचालय हो, घर घर में शौचालय हो। बाहर कहाँ फेंकू माँ? अरे सड़क के किनारे कहीं भी खाली जगह देख करके ऐसी फेंक ले। आप भी ना कर दे बेटा। मैं हूँ कीटाणु, मैं फिर आ गया। अरे तुम घर का कचरा बाहर रास्ते में फेंकते हो, अरे अब मैं सारे गंदगी के कीटाणु हवा में फैलाकर तुम सबको बीमार कर दूंगा। हा
अरे बना रहे हैं भाई, बना रहे हैं, बैठो जरा। अरे भाई बना रहे हैं, बहुत रश हो रहा है, देख नहीं रहे आप। ये लो भाई आपकी चाय तैयार हो गई है, ये लो चाय पियो, ये लो आपकी भी चाय। चाय कितनी बनाई है ना, इलायची भी डाली है। अरे आज ना अदरक भी डाल दू। ये इलायची कंजूस है ये। अरे 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 रुको भाई रुको, ये क्या तरीका है, चाय पीने के बाद सारे गिलास यहाँ पे रास्ते में फेंक दिए, इतनी गंदगी फैला दी है, सामने कूड़ादान है, आप अपने गिलास उठा के कूड़ेदान में क्यों नहीं डालते? खाली पीली टोकने का नहीं, हम कचरा जहाँ फेंके हमें रोकने का नहीं। खाली पीली टोकने का नहीं, हम कचरा जहाँ फेंके हमें रोकने का नहीं। अरे जब तुम लोग ही ऐसा करोगे तो तुम्हें मालूम है कचरा क्या कहेगा? क्या कहेगा? अरे क्या कहेगा भाई बताना जरा। कचरा कहेगा, कचरे को इधर उधर कहीं फेंकने का नहीं, बीमार हो गए तो मुझे कोसने का नहीं। कचरे को इधर उधर कहीं फेंकने का नहीं, बीमार हो गए तो मुझे कोसने का नहीं। तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। अरे यार कल शादी में गए, बड़ा मजा आया, कल खाया पिया। एक मिनट रुक, मुझे जरा थोड़ा करके आता हूँ मैं। अरे अरे ये क्या कर रही हूँ, ये कोई पेशाब करने की जगह है। आ गई झांसी की रानी। सरकार ने जगह जगह पे शौचालय की व्यवस्था बना रखी है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो तुम? इतनी बदबू आती है यहाँ से, तुम्हें नहीं आती? आती तो है लेकिन सब लोग तो यही करते हैं। अरे सब लोग गलती करेंगे तो तुम भी करोगे, देखने में तो पढ़े लिखे लगते हो। हर गांव, हर घर, हर शहर हमारा है, ये देश हमारा है, इसे स्वच्छ रखना, साफ करना हमारी जिम्मेदारी है, हम सब की जिम्मेदारी है, हम इसके नागरिक हैं। इसीलिए सरकार ने भी जगह जगह पे शौचालय और कूड़ेदान की व्यवस्था की है ताकि हम सब उनका इस्तेमाल कर सके। अब तो सरकार भी आर्थिक सहायता देती है ताकि हर घर में शौचालय हो और कोई भी खुले में शौच ना करे। इसलिए आप सभी से ये विनती है कि खुले में शौच ना करें, ना ही दीवारों पर पीक थूके, ना पेशाब करें, और देश की संपत्ति को ना आप गंदा करें, ना किसी को करने दें। तो भाइयों बहनों, ये देश हमारा है कि नहीं है। तो मित्रों, इस देश को गंदा ना होने दें और ना गंदा करें। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि सब लोग सफाई का ध्यान रखें और इस देश को साफ रखें। हमने अब ये ठाना है, हम सबको ये बताना है, हमने ये खाना है, तुम सबको ये बताना है। सो रहे जो नींदों में उन सबको अब जगाना है, सो रहे जो नींदों में उन सबको अब जगाना है। हमने ये ठाना है, तुम सबको ये समझाना है, हमने अब ये खाना है, तुम सबको ये समझाना है। और स्वच्छता के ये कदम उठाकर देश को सड़क बनाना है, स्वच्छता के ये कदम उठाकर देश को सड़क बनाना है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।